गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 6 तारीख दिन रविवार, केसरपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केसरपुर टमाटर मंडी में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार रहा, किस तरह का माहौल बना हुआ है। और दोस्तों बता दूं टमाटर के क्रेटों में भर्ती जो है यहाँ पे हिमाचल वाले टमाटर में 25 KG प्लस आता है, 26 भी हो जाता है, 27 भी हो जाता है, 28 भी हो जाता है जी। और बाकी बेंगलोर वाले में भी जो है 25 से प्लस ही आपको भर्ती मिलेगा। इस समय जो भी जितना भी माल आ रहा है 25 KG प्लस ही माल आ रहा है जी। और दिल्ली में हमेशा जो है ज्यादातर माल 25 KG प्लस ही आता है। बाकी दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 7 में, यहाँ का बोली दिखाएंगे, लाइव बोली क्या चल रहा है, किस तरह का माहौल बना हुआ है। 3300 यहाँ पे भीड़ है, 3300 माल भरा, 3500 रुपए का ये लाट बिका जी। 2400 रुपए का ये लाट बिका, 2350 के 3100 3332 ग्रामोल, 3300 3300 3300 3300 3300 बोलना पड़ेगा, 3300 है, 3300 3300 3400 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
29 रुपए का ये लाट बिका जी, एक का लाट था 3150 दोस्तों ये जो लाट है 3050 रुपए का अस्तावन ले दो रोजी संग्रह दोस्तों ये जो है 4 का लाट 3200 रुपए भाई जी, बाकी अभी 3300 चल रहा है 3300 3250 भेजो 3300 किसके 3300 है 3350 भाई 50 भाई बात 50 दिन है भाई 50 है 3300 में तो 50 दिन है भैया 50 दिन है भाई 50 है 50 है 100 ग्राम 50 है 3300 पे तू 50 है 50 3300 रुपए पांडे दोस्तों 3350 रुपए का ये लाट बिका जी 2829 तीन को बोला दोस्तों थोड़ा करा रहा हूं लाट का जी 50 से बोली 50 50 50 है 50 है 50 है 50 है 50 50 3100 तू हंस दे एक बार तुम जो कह दो तो चांद तारों को छोड़ लो 3100 देखिए भाई दोबारा 3150 50 50 है 50 है
3200 लोग ना, बहुत बड़े माला 3200 50 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
दोस्तों 3200 रुपए का ये लाट बिका जी। 3700 अरे यार जी बेवकूफ़ बात, 3750 खड़ी आवाज है, 3800 है आपके, 3800 भाव जी, 3850 है रंजीत, 3950 है, 3950 है, 4000 32 फुट मारा 4150 रुपया नील दोस्तों, 4100 रुपए का ये लाट बिका। टॉप माल है, एकदम ड्राई माल है और साइज भी ठीक है सारा। दोस्तों पहले तो सभी भाइयों को थैंक्स कहना चाहता हूँ जी, जिन्होंने कमेंट किया और जिन्होंने नहीं भी किया उनको भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जिस एरिया से आप टमाटर का रिपोर्ट देख रहे हो दोस्तों, केशवपुर मंडी का, और किस किस एरिया में जो है क्या बाजार चल रहा है, किस तरह का माहौल है, और दोस्तों किस एरिया में जो है टमाटर का किस तरह का क्वालिटी है। जैसे अपना हिमाचल से टमाटर आ रहा है इस समय, और बेंगलोर से आ रहा है, और महाराष्ट्र से आ रहा है, तो वहाँ के किसान या व्यापारी जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वहाँ का सिचुएशन किस तरह का सिचुएशन बना हुआ है, क्या कुछ रेट चल रहा है वहाँ पे, प्रोडक्शन मंडी में क्या कुछ माहौल है बेंगलोर में हो गया या फिर महाराष्ट्र या फिर हिमाचल, और कितना परसेंट इस समय जो है माल बचा हुआ है, और बेंगलोर के साइड में जो है क्या कुछ क्वालिटी है, और महाराष्ट्र में क्या कुछ क्वालिटी है, बरसात से क्या कुछ क्वालिटी खराब हुआ, और अगेती पिछेती के हिसाब से क्या कुछ क्वालिटी बचा हुआ है, तो ये सारा चीज़ जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत अंदाजा लग पाएगा। और आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें दिल से बहुत खुशी होता है दोस्तों, और जो नहीं भी करते उनके लिए भी खुशी होते हैं कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस वीडियो को, और आगे भी उम्मीद है देते रहेंगे। और दोस्तों टमाटर से रिलेटेड आप सभी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरा पूरा कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का जवाब देने के लिए। हाँ जी भाई साहब जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो आज का माहौल बताओ जी, आज क्या कुछ अराइवल है मार्केट में, कितना ताजा है, कितना बैलेंस है मंडी में? आज थी 5 गाड़ी बेंगलोर की। अच्छा जी। एक गाड़ी नासिक से हमारे मंडी में। अच्छा जी। बेंगलोर बिका है 3000 से लेकर 3200 रुपए तक। अच्छा जी। और नासिक का माल बिका है जाके 2600-2700 रुपए। अच्छा ठीक है। मतलब क्वालिटी कैसा आ रहा है, क्यों रेट कम है जी? क्वालिटी बेंगलोर की अच्छी क्वालिटी आ रही है, बेंगलोर की नहीं, ये अपना नासिक वाला क्वालिटी मार रहा है। अच्छा, और नारायणगांव जो आ रहा है जी हाइब्रिड में, वही नासिक नारायणगांव जो भी खराब टमाटर, अभी टमाटर बनाने कलर ने फुल नहीं हुआ अभी टमाटर। अच्छा, और देसी देसी कहाँ का आ रहा है, वहाँ का देसी कहाँ का आ रहा है जी? वहाँ पे देसी भी बेंगलोर का आ रहा है सर अपने। अच्छा, ये महाराष्ट्र से नहीं आ रहा सर? नहीं, महाराष्ट्र से नहीं आ रहा, हाइब्रिड हाइब्रिड आ रहा है, हाइब्रिड हाइब्रिड से महाराष्ट्र। अच्छा जी, और यही बात करें शिमला वाले का, तो शिमला वाले का मंडी में 5 गाड़ी थी, छोटी बड़ी मिला के 5-6 गाड़ी। अच्छा जी। माल कम है जी, लेकिन ग्राहक भी जो है माल लेके घायल हो गए बिल्कुल। अच्छा, टमाटर 200 रुपए किलो कोई खा नहीं रहा है जी जी, जिसके अड्डे पे बिक रहे 10 क्रेट वो बेच रहा है 2 क्रेट। अच्छा जी, वो हिसाब हो रहा है बिल्कुल। अच्छा, माल मतलब बाजार में यहाँ से कहाँ रहते हैं, बाजार में ग्राहकों का माल बिक नहीं रहा है। अच्छा जी, परेशानी हो रही है आप आगे। अच्छा, तो आज क्या रेट खुला सर हिमाचल वाले टमाटर? हिमाचल वाले बिके सर नीचे में 2500 रुपए। अच्छा, ऊंचे में मेरे पास बिके हैं 4300 रुपए तक। 4300 रुपए तक। हाँ। अच्छा जी, और एवरेज ज्यादातर माल क्या रेट बिका? ज्यादातर 3200-3300-3400। अच्छा, मतलब 3000 से लेकर के 3400। हाँ, 3000 से लेकर 3400 एवरेज माल। अच्छा जी, मतलब 3200-3300-3400 इस रेंज में ज्यादातर माल, जो ज्यादा माल बिका है। अच्छा जी, तो सर आज जो है मार्केट में कोई टॉप भी बिका है जी बाजार में? टॉप में वही है, सबसे टॉप में 4300 रुपए है मेरे नजर में तो। अच्छा जी, जो मतलब अपने पास ही बिका है मार्केट में, घुमा हूँ सबसे टॉप में 4300 रुपए है। अच्छा हाँ, तो ये 43 वाले में भर्ती कितना होता है आसपास? भर्ती इसमें कम से कम 31 किलो टमाटर था सर। अच्छा, मतलब 30-31 किलो आते हैं। अच्छा, उसमें फिर कुछ खराब भी निकलता हुआ छाट वाट में? नहीं खराब नहीं, उसमें दाना दाना एक एक सिंपल के पीस बिल्कुल उसमें। अच्छा, मतलब एकदम जो है टाइट माल ऊपर से लेकर के नीचे तक, उसमें ऐसा है कि एक एक दाना आप गिनती कर लीजिए। अच्छा जी, टमाटर। अच्छा,
तो सर अभी जो है पिछले सप्ताह से लास्ट रविवार से जो है इस रविवार कुछ बाजार जो है डाउन है या क्या है? हाँ, कुछ बाजार डाउन हुआ है, कुछ नासिक में बाजार डाउन हुआ है। अच्छा, कुछ बेंगलोर में बाजार डाउन हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा बाजार माल बढ़ेगा उधर जी, थोड़ा बाजार लेवल में आने का आसार है। अच्छा, कि 15 दिन के अंदर अंदर में बाजार जो है ना लेवल में आ जाएगा, आसार है 15 दिन। अच्छा, मतलब उम्मीद है 15 दिन में लेवल में आ जाए माल आएगा। अच्छा, और सर जी अगर बात करें कल के मुकाबले आज का बाजार का, शनिवार के मुकाबले कल से थोड़ा, आज जो है बाजार थोड़ा कल से नॉर्मल है, मतलब की ज्यादा नहीं 50-100 रुपए का अंतर है कल से, मतलब टाइट हुआ है 50 रुपए लूज है। अच्छा जी, हाँ कल से 50-60 रुपए नरम है हमारी मंडी, क्योंकि कल हमारी मंडी में 2 गाड़ी बेंगलोर थी। अच्छा, आज हमारी मंडी में 5 गाड़ी बेंगलोर। अच्छा, मतलब माल ज्यादा है कल से। अच्छा, आज बेंगलोर ज्यादा है। अच्छा, बेंगलोर का माल बेंगलोर ज्यादा है। अच्छा, और सर जी ये जो महाराष्ट्र वाला माल है या फिर बेंगलोर का माल है, ये खुल के कब तक चलेगा जी? ये मतलब 15 दिन के बाद खुल के चलना चाहिए माल। अच्छा, नासिक में चलना चाहिए, नासिक हो, महाराष्ट्र में जितने एरिया है, नासिक हो, जयसिंहपुर हो, सोलापुर हो, ये सब 15 दिन के बाद खुल के चले जाएंगे। बेंगलोर में भी टमाटर खुद खुल के चले जाएंगे 15 दिन बाद। तो इस बार फसल कैसा है सर, पिछले साल से आधा या क्या? तो देखिए अभी जो बेंगलोर किसानों से बात हुई थी एक दूसरे जी, वो बता रहे फसल बहुत अच्छी है जी, नासिक में भी बता रहे फसल बहुत अच्छी है। अच्छा, लेकिन अभी जो है जो टमाटर का जो भरपाव होने चाहिए ना, आम आगमन मंडी में वो उतना नहीं आ रहा है। अच्छा, कम आ रहा है मंडी में। अच्छा, तो इस बार सर जी मतलब जैसे सितंबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है, तो इन महीनों में माने की आकर्षण है, सितंबर से बाजार लेवल में आ जाएगा। अच्छा, मतलब किस रेंज में बिकेगा सर? ये आ जाएगा 1200-1300-1400 रेंज में। अच्छा, ये 1000 से 1500 के रेंज में रहेगा ना, तो आदमी टमाटर खाता है जी, 2000 से ऊपर टमाटर होता है, आदमी टमाटर खाना छोड़ता है। अच्छा जी, सब प्यूरी यूज करते हैं, प्यूरी। अच्छा, कि प्यूरी यूज करूंगा, आमचूर यूज करूंगा। अच्छा, ये मसला आ रहा है लफड़ा। अच्छा, मतलब कम हो जाता है खाने वाले, कम खाना हो जाता है। 50-60 रुपए टमाटर अगर 60-70 रुपए बिकते ना तो लोग हिम्मत करते खा लेते हैं जी, जी। अब जहाँ 200 रुपए किलो है, 50 रुपए का एक पाव, 2 टमाटर कौन लेगा 50 रुपए का एक पाव जी, जी जी। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत फर्क पड़ रहा है जी। अभी एक पाव में 4 चढ़ता है जी, ग्राहक भी बोलते हैं 4 भी चढ़ रहा है, 3 चढ़ रहा है जी, बड़े वाले टमाटर तो 3 ही चढ़ेगा, 3 चढ़ रहा है। तो ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए परेशानी हो रही है। अच्छा, जो जिनके पैसा है उनके तो कोई बात ही नहीं है जी, जी जो मिडिल क्लास फैमिली उनको दिक्कत हो रही है जी। और सर जी अभी हिमाचल का जो है कौन कौन से एरिया से टमाटर आ रहा है और किस किस एरिया में कितने दिन चलेगा वहाँ? हिमाचल मतलब कि जैसे समझे अभी एक आ रहा है सिरमौर खेरी पड़ता है, वहाँ से आ रहा है, और सिलाई नरवा से आ रहा है। ये मतलब कि समझे कि अभी ये एंड पे आसार पे है। अच्छा, एंडिंग है, किसी टाइम भी ये मतलब कि खत्म हो जाए, खत्म हो सकता है। और अभी हिमाचल में जो कौन कौन सा चलेगा नया एरिया मोरनी चलेगा अभी, लेकिन उसमें भी 1 महीना बाद टाइम, 1.5 महीना। अच्छा, 1.5 महीना टाइम है। अच्छा, एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। शॉप नंबर 7 हरी भाई नंदन कुमार एंड सन्स, मोबाइल नंबर 9310661246। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद।